हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विनीत और आप देख रहे हैं डिफेंस स्टडी चैनल। तो गाइस, जो आज का टॉपिक है वो है बिहार की जो गवर्नमेंट ने अभी नोटिफिकेशन जारी की है कुछ वैकेंसीज़ के लिए, जो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं। तो गाइस, जो नगर विकास एवं आवास विकास यानी अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डेप्ट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इसने अभी नोटिफिकेशन जारी की है अभी भी, जो बहुत ही अच्छी जॉब है। इसकी जो स्टार्टिंग जो सैलरी होगी वो 27,000 से स्टार्टिंग सैलरी होगी। तो गाइस, अगर चलते हैं मेरे वीडियो की ओर, उससे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं मैं टॉपिक की ओर, नगर विकास एवं आवास विकास गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, तो बिहार ने यानी UDHD जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2020, जो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार का है, जिसका पोस्ट नेम है वो जूनियर इंजीनियर के लिए है। ठीक है, इसमें जो स्टार्टिंग डेट थी इसकी 19 दिसंबर 2019 में, और जो लास्ट डेट थी 8 जनवरी 2020, जो अब इसको रिपोन यानी पोस्टपोन कर दिया गया है, पोस्टपोन करके इसको 14 जनवरी 2020 की, और इसको लास्ट डेट जो है 27 जनवरी 2020 है। ठीक है, और जनरल OBC के लिए अभी कोई फीस नहीं देनी होगी, और ना ही SC/ST और वुमेन के लिए भी कोई फीस नहीं है। ठीक है, अगर फीस होती है तो वो आपको ऑफिशियल साइट में इसको बारे में जानकारी दी जाएगी। अभी तो कोई फिलहाल जानकारी नहीं है कि आप लोगों को कितनी एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी। ठीक है, तो इसकी जो मैंने बताया इसकी स्टार्टिंग डेट पहले 19/8 थी, और इसको जो पोस्ट पोन करने के बाद इसकी 14 जनवरी स्टार्टिंग डेट थी, और जो लास्ट डेट थी वो है 27 जनवरी। एडमिट कार्ड अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है एडमिट कार्ड के लिए कब जारी होगा, एग्ज़ाम की भी डेट अभी नहीं जारी हुई। इसकी जो जॉब लोकेशन होगी वो है बिहार इसकी जॉब लोकेशन होगी, और इसके बाद जो इसकी लास्ट इसकी जो मिनिमम एज आपकी 18 साल होगी, मैक्सिमम जो होगी 37 साल होगी मेल के लिए। ठीक है, जो मैक्सिमम होगी 37 साल फीमेल के लिए, दोनों के लिए मेल फीमेल के लिए बराबर है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 37 साल। SC/ST के लिए आपको एज रिलेक्शन अपर एज लिमिट के लिए 5 साल के लिए छूट मिल रही है, और OBC के लिए आपको 3 साल की छूट मिल रही है। इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट आपके लिए 463 पोस्ट हैं, जो बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं। तो इसके बाद जो आगे चलते हैं हम, इसकी जो वैकेंसी डिटेल्स में के बारे में बताऊँ, जो पोस्ट नेम है वो जूनियर इंजीनियर यानी सिविल, जूनियर इंजीनियर में आपका सिविल होगा, मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल, यानी जो पॉलिटेक्निक कर चुके हैं स्टूडेंट्स वही इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बीटेक वाले भी कर सकते हैं, लेकिन ये जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में आप भर सकते हैं। ठीक है, इसके जो जूनियर इंजीनियर सिविल में आपकी 377 पोस्ट हैं, 377 पोस्ट सबसे ज़्यादा आपके सिविल इंजीनियर में है। दूसरे नंबर पर है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में आपके लिए 44 पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आपके लिए 42 पोस्ट हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके बाद जो इसका आपकी सैलरी होगी, मैंने पहले बताया सैलरी आपके लिए 27,000 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग होगी। ठीक है, इसके बाद जो कंट्रेक्चुअल पीरियड है उसको अभी कोई नॉट स्पेसिफाइड है। ठीक है, इसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, मैंने बताया कैंडिडेट हैविंग 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट ट्रेड फॉर एनी इंस्टीट्यूट, यानी पॉलिटेक्निक आपको किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कॉलेज से आप किए होंगे, 3 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको अप्लाई करने के लिए आप UDHD यानी जूनियर इंजीनियरिंग ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल साइट में जो लिंक प्रोवाइड की गई है उसमें आपको क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करने के लिए पहले आपको लॉगिन वो रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके इसको अपने फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको फिल करके बताऊँगा। ठीक है, और इसके जो क्वालिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एप्लीकेशन फीस में, उसमें आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा यानी निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, और रिलेवेंट सर्टिफिकेट यानी पहचान के लिए जो सर्टिफिकेट होता है यानी आधार कार्ड वो लगेगा, और फोटोग्राफ होगा और सिग्नेचर होगा, और जो आपके 3 साल का जो इंजीनियरिंग कोर्स किया है वो भी आपको लगेगा। तो और इसके बाद मैं कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूँ कि सारी जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए और नोटिफिकेशन आपको पढ़िए, और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को नए ग्रुप में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल डिफेंस स्टडी।